हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज के शुरू में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में इस तरह प्रॉब्लम आते हैं, यू कैन नॉट यूज दिस फीचर राइट नाउ, तो ये प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला। वीडियो को एक स्टेप मिस नहीं करो, कंप्लीट वॉच कीजिए। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, इसके लिए मैं अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और इसमें मैंने एक दोस्त का अकाउंट लॉग इन कर दिया और इस अकाउंट में भी वही प्रॉब्लम आते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस अकाउंट में एक फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ तो ये वाला प्रॉब्लम शो होगा। बाजू लोगों के पास कमेंट और लाइक पर भी यही प्रॉब्लम शो होगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा कि इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रॉब्लम से एक स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ, ऐसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर साइड पर थ्री लाइन है थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज इस तरह स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा हेल्प एंड सपोर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। और उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर नीचे का और ऑप्शन शो होगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद ये सेंटर पेस आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन शो होगा। अगर आपके पास लाइक एंड कमेंट पर ये वाला प्रॉब्लम आते हैं तो फिर आप लोग अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन शो होगा तो फिर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन शो होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेंटर पेस आते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक अपील एंटर कर देना और ये अपील आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो, नोटपैड से ये अपील मैं कॉपी करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने अपील भी कॉपी कर दिया और उसके बाद दोबारा वही पेज ओपन करता हो और फिर यहाँ पर लाकर वो अपील पेश कर देना। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया। अपील पेश करने के बाद नीचे का ऑप्शन आता है कैमरा रूल, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर अपना गैलरी से वो स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ जो पहले से मैंने लिया था। जी हाँ, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ से सेंड वाला आइकन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से जो रिपोर्ट था वो बिल्कुल सेंड हो चुका है। उसके बाद फिर आप लोग अपना मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करो। तो चलो, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉग इन करो। मैंने पहले से वही अकाउंट लॉग इन कर दिया और फिर आप लोग वही प्रॉब्लम भी शो कर देना। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा। तो चलो, मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, लेट अस नाउ, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये सेंटर पेस आते हैं, यहाँ पर लिखा है फेसबुक ब्लॉग्स, तो नीचे यहाँ पर आप लोग फिर भी वह अपील ला कर पेश कर देना। तो चलो, जल्दी यहाँ पर मैं पेश करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला बटन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब यहाँ से जो अपील था वो हेल्प सेंटर पर चलेगी। जी हाँ, अपील बिल्कुल सेंड हो चुका है। उसके बाद फिर आप लोग वेट करो 2 या 3 घंटे तक और उसके अंदर आपका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।